बेकार, काली ना गिन के तेरी काली काली। तो इस म्यूजिक पे आप लोग वीडियो बनाओ, अभी के टाइम काफी वायरल चल रहा है, ठीक है। देन इस म्यूजिक के बारे में बात करें तो देख तो अच्छे खासे लाइक भी जा रहे हैं, ठीक है। ज्यादा इसमें अभी रील्स भी नहीं बने हैं, और जिस वीडियो का आप स्टार्टिंग में देखे तो इसमें देख तो व्यूज 3.1 मिलियन आ चुका है। लाइक आप यहाँ पे साइड में देख ही सकते हो, ठीक है। तो कितना ट्रेंड कर रहा आपको यहाँ देखने में ही लगी जा रहा है। तो कैसे इस म्यूजिक पे आप इस टाइप का वीडियो बना सकते हो, यही सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में आप देखे होंगे अलग अलग पार्ट का क्लिप लगाया गया है, ठीक है। तो कैसे शूट करना है एंड कैसे क्लिप को एडिट करना है, उसके बाद कैसे प्रॉपर तरीके से वीडियो को पूरी तरीके से एडिट करना है, तो सारा चीज सिखाने वाला हूँ। बस यहाँ पे आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आ जाना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम कैपकट एप्लीकेशन का यूज करेंगे। देन इसको चलाने के लिए किसी वीपीएन को आपको कनेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। प्ले स्टोर में जाना, सर्च करना, वीपीएन बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिक्योर वीपीएन का यूज करते हैं, तो यहाँ से देख सकते हम कनेक्ट भी कर लिए। अगर आपके पास कैपकट नहीं है तो जाओ मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। देन ओपन करने के बाद शो के न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन, इस पर आपको टिक करना होगा। देन यहाँ पे आपकी सारी वीडियो अगर शो करेंगे तो 3 टाइप का आपको वीडियो शूट करना होगा, ठीक है। तीनों वीडियो का क्लिप आप देख सकते हो मेरा कुछ इस प्रकार से है। तो 5 सेकंड, 10 सेकंड, कुछ इस प्रकार से आप 3 टाइप का वीडियो शूट कर लेना अलग अलग टाइप का। तो देख सकते हो यहाँ पे कुल मिला के तीनों वीडियो को एड किए है ना, तो 2 सेकंड, सॉरी 2 मिनट से ज्यादा वीडियो हो चुका है, ठीक है। तो कहीं सर फर्स्ट वाला जो वीडियो आप रखोगे ना उसका लेंथ कम से कम 1 सेकंड रहना चाहिए, बस उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ना हम थोड़ा सा रखेंगे इसका 1 सेकंड, कुछ इस प्रकार से यहाँ से वीडियो को प्ले करेंगे। अब देख लेना यहाँ पे सेकंड शो कर रहा है, ठीक है। 1 सेकंड रखेंगे, देन इधर का पार्ट डिलीट कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार से कट लगाकर डिलीट कर देना, ठीक है। देन नेक्स्ट वाला जो पार्ट रहेगा आपको कुछ इस प्रकार से एक्स्ट्रा पार्ट को हटा लेना, ठीक है। इस वाले वीडियो का लेंथ कुछ इस प्रकार से आप 5 या 6 सेकंड रखना, ठीक है। सो इस वाले पार्ट को इधर से हम डिलीट कर लेते हैं। देन यहाँ से फिर से वीडियो को प्ले करेंगे, थोड़ा सा आगे आने के बाद इसको भी हम डिलीट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। 5 सेकंड 6 सेकंड आने के बाद इसको हम डिलीट कर लेते हैं कट लगाने के बाद कुछ इस प्रकार से। सो इतना करने के बाद गई सर जो लास्ट वाला पार्ट है इसको अब लॉन्ग रखेंगे, मतलब कुल मिला के 12 सेकंड तक आपका वीडियो का लेंथ रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इधर का हम कट लगेंगे, देन इधर का पार्ट को हम डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद यहाँ पे 26 सेकंड का मेरा वीडियो हो चुका है, तो यहाँ पे मेरे को 12 सेकंड का सिर्फ वीडियो चाहिए। तो इधर का पार्ट को हम डिलीट करते हैं कट लगाने के बाद इधर का पार्ट, ठीक है। दो दिन आप देखोगे ना तो यहाँ पे साइड में शो करें 12 सेकंड, ठीक है। तो 12 सेकंड का वीडियो आपको कुछ इस प्रकार से अलग अलग क्लिप को जोड़ के कर लेना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसका हम ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो अलग अलग क्लिप का आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ाएंगे, यहाँ पे डाउन है, आप चाहो तो अपने वीडियो में देख लेना, और करना चाहो तो आप कर भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से वीडियो को प्ले करके दिखाओ तो देख सकते हो एक क्लिप हो गया एंड दूसरा क्लिप हो गया, एंड गाइस लास्ट वाला क्लिप कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इस वाले क्लिप को आपको यहाँ पे ऐड कर लेना होगा। एंड गाइस सर यहाँ पे ना हम थोड़ा बहुत एनिमेशन को भी ऐड करेंगे, तो यहाँ पे जो प्लस का ऑप्शन आप देख रहे होंगे इस पर आपको टिक करना होगा। टिक करने के बाद गाइस सर यहाँ पे बहुत सारे एनिमेशन देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे एक एनिमेशन आपको ट्रेंडिंग में ही देखने को मिल जाएगा पुल इन करके, ठीक है। नहीं मिलेगा तो आप सर्च करके सॉरी यहाँ पे ढूंढ लेना, तो पुल इन वाले एनिमेशन को डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ पर भी एक प्लस का ऑप्शन शो करेगा, तो इस पर भी टिक करके आप पुल इन वाले एनिमेशन को डाल लेना। लेंथ थोड़ा सा आप रखना, ठीक है, ज़्यादा मत रखना, थोड़ा सा आप लेंथ को रखना। देन यहाँ से हम डन करेंगे। अब इस वाले वीडियो को एक बार हम गैलरी में सेव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, क्लिक करने के बाद गई सर वीडियो को आपको एक बार गैलरी में सेव कर लेना होगा। तो यहाँ पे आपका वीडियो सेव हो चुका है गैलरी में, ठीक है। तो गई सर वहाँ पे उस वीडियो में एक टेम्पलेट लगाया गया था, ठीक है। तो उस वाले टेम्पलेट को कैसे आपको यूज करना, चलिए आपको बता दे रहा हूँ। तो गूगल क्रोम को ओपन करना, सर्च वाले ऑप्शन पर टिक करके यहाँ पे आपको सर्च करना होगा थाईलैंड कैपकट टेम्पलेट, ठीक है। देन सर्च करने के बाद गई सर यहाँ पे कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। फर्स्ट वाले लिंक पे आपको टिक करना होगा, टिक करने के बाद गई सर थोड़ा सा वेट करोगे, नीचे स्लाइड करोगे, गई सर ये वाला टेम्पलेट है, ठीक है। इस टेम्पलेट को हम उस वीडियो को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे शो करके यूज टेम्पलेट इन कैपकट, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा, ओके। सो क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, यहाँ पे टेम्पलेट खुल के आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। इसको यूज करने के लिए नीचे शो के यूज टेम्पलेट का ऑप्शन टिक करना होगा। जिस वीडियो को अभी आप गैलरी में सेव किए थे ना, आपका वीडियो वाला स्टार्टिंग में ही शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो शो करा है, देन इस पर टिक करने के बाद प्रीव्यू पे आप टिक करना, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। वेट करने के बाद गई सर ये वाला वीडियो टेम्पलेट में एड हो जाएगा। यहाँ पे ब्लर इफेक्ट वगैरह स्लो मोशन वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम ले सकता है। अगर आपको शुरू से वीडियो को प्ले करके दिखाओ देख सकते हो टेम्पलेट में वीडियो एड हो चुका है कुछ इस प्रकार से, ब्लर इफेक्ट वगैरह स्लो मोशन वगैरह, ठीक है, सब कुछ हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से आपको इस वाले वीडियो को यहाँ पे टेम्पलेट में बदल लेना होगा, ठीक है। अगर आप फिल्टर वगैरह चेंज करने वाले तो फिल्टर साइड में शो करके आप यहाँ से ना कोई सा फिल्टर को यूज कर सकते हो, ठीक है। गाइस सर यहाँ पे वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे, उस ऊपर शो करके एक्सपोर्ट का ऑप्शन टिक करेंगे, एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क पे टिक करेंगे। यहाँ पे वीडियो को एक्सपोर्ट करके ओरिजिनल म्यूजिक अभी आपको एड करना होगा। इसमें ना अलग टाइप का
म्यूजिक रहेगा। तो वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है, ओरिजिनल म्यूजिक को एड करने के लिए VNF एप्लीकेशन या काइन मास्टर किसी को भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मेरे पास VNF एप्लीकेशन है, तो यहाँ से हम ओपन कर लिए, नीचे से प्लस का ऑप्शन क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे टिक करना होगा। देन जिस वीडियो का भी आप एक्सपोर्ट किया था ना टेम्पलेट में यूज करने के बाद, उस वाले वीडियो को यहाँ पे ले लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो आ चुका है, देन यहाँ पे आपको क्लिक करके म्यूजिक इसका ऑफ कर लेना होगा सबसे पहले। ठीक है, अगर आपको वीडियो को प्ले करके देखो तो कुछ इस प्रकार से वीडियो है। लास्ट में जाना होगा जो यहाँ पे जो ब्लैक लेयर्स होगा इसको आप डिलीट करना होगा, आपको स्टार्टिंग माना होगा। म्यूजिक को एड करने के लिए यहाँ पे टेप वेड स्टिकर टिक करेंगे, वीडियो एंड फोटो पे टिक करेंगे, म्यूजिक और वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से म्यूजिक वाला वीडियो आ चुका है, इसका म्यूजिक निकालेंगे, सेलेक्ट करना शो कर स्टेक्ट ऑडियो का ऑप्शन, देन उस पर क्लिक करके म्यूजिक आप निकाल लेना, इस लेयर को आप डिलीट कर देना। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे फाइनली पूरी तरीके से वीडियो बनकर आपका रेडी हो चुका है। अगर आपको यहाँ से वीडियो को प्ले करके दिखाओ तो आपका वीडियो कुछ इस प्रकार से लगेगा। ठीक है, तो कुछ इस ट्रिक से गाइस इस टाइप का वीडियो बना सकते, कितना आसान था इस टाइप का वीडियो बनाना। वीडियो को एक्सपोर्ट करते गैलरी में यहाँ पे आपको टिक करके सही पे टिक कर देना होगा, वीडियो आपकी बन के पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं।